वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस माई सेल्फ फणी कुमार मिश्रा FM सर एंड टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास पार्ट टू. इन दिस आई विल टीच यू व्हाट वुड बी द कनेक्टिव वर्ड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड हाउ आर वी डिक्लेयर दैट द सेंटेंस वुड बी कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आर सिंपल. एंड देन आफ्टर दैट आई विल डिस्क्राइब दैट काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास. सो लेट अस अंडरस्टैंड, डोंट वरी, आई विल टीच इस हिंदी ऑल्सो. सबऑर्डिनेट कंजक्शन इन पार्ट फर्स्ट आई हैव टॉट यू दैट सबऑर्डिनेट क्लास doesn't have independent sense. It depends to the principal clause. So here are subordinate conjunctions that are used in complex sentence. That, who, which, whom, which, when, where, why, what, if, as if, how, so, as, since, before, after, though, so that, least, because. It is means there are some more as because, hence, although, though, like this. So difference between simple sentence, compound sentence and complex sentence. So understand what would be the simple sentence. A sentence that has only one clause is called simple sentence. He killed a snake, she does her work. I teach English, Pushkar is talking. In all these sentences, there is only one subject and only one finite verb. It means there is only one clause. Compound sentence, a sentence which has two or more than two independent clause, means main clause, principal clause, coordinate clause, is called a compound sentence. He came here, but she did not meet him. You must work hard or you will fail. The sun goes and the fog disappears. So, मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था स्पष्ट रूप से क्लाच क्या है. क्लाच को कहते हैं उपवाक, और उपवाक जो है वाक का ही एक भाग होता है. इसमें मैंने आपको बताया था क्लाच मुख्य रूप से तीन होते हैं, प्रिंसिपल क्लाच, सबऑर्डिनेट क्लाच और कोऑर्डिनेट क्लाच. मैंने आपको बताया था हर क्लाच का अपना निजी सब्जेक्ट होता है और अपना निजी प्रेडिकेट होता है. ये बात जान लीजिए, चाहे वो प्रिंसिपल क्लाच यानी मेन क्लाच हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट आश्रित हो, चाहे कोऑर्डिनेट समान उपपदी हो. यानी प्रिंसिपल क्लाच वह क्लाच होता है जिसमें जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, अपना क्लियर अर्थ देता है. सबऑर्डिनेट क्लाज वह क्लाज होता है जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होता है. और कोऑर्डिनेट क्लाज वह क्लाज होता है जो अपने अर्थ के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता. प्रिंसिपल क्लाज की बात क्या होता है, स्वतंत्र होता है. मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे यहां एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, आई मेट ए गर्ल हु वाज लेट. तो ये स्पष्ट है मैं किससे मिला, एक लड़की से मिला जो क्या थी, लंगड़ी थी. अब आप इस सेंटेंस इस पार्ट को बोलते रहे जो लंगड़ी थी, पता नहीं है कि लंगड़ी कौन थी, गाय लंगड़ी थी, बकरी लंगड़ी थी, घोड़ा लंगड़ा था, अति लड़की लंगड़ी थी, ये स्पष्ट नहीं है. ये तब स्पष्ट होगा जब इसका सहारा लेगा. तो और ये तो स्पष्ट है आई मेट ए गर्ल कि मैं किसी और से नहीं मिला, एक लड़की से ही मिला. इसीलिए यह पीसी है, पीसी माने प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज, और यह है क्या, सबऑर्डिनेट क्लाज. तो मैंने कल आपको बताया था जिसमें प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जिसमें प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, और जिसमें एक ही क्लाज होता है तो वह होता है सिंपल सेंटेंस. यहां कुछ है सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, जैसे है दैट, हु, व्हिच, व्हेन, विच, वेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, इफ, एज इफ, हाउ, सो दैट, सिंस, बिफोर, आफ्टर, थो, सो दैट, लिस्ट, बिकॉज. और भी कुछ हैं, और भी
कुछ है आर दोस्त हो तो ईटीसी लिखा हुआ है, तो ये जब आ जाए तो आंख मुंड के कुछ अपवाद इसके आ सकते हैं, सम एक्सेप्शंस में कम, नहीं तो ये किसमें यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब आप कहेंगे कंपाउंड का आपने बताया नहीं, कंपाउंड के कनेक्टिव वर्ड्स क्या है, तो भाई जो जिनको छोड़ के जो आएगा वो क्या है, कंपाउंड है, उसको तोड़ करके पढ़ना पड़ता है। जैसे परिणाम बताने के लिए क्या आता है, सो आता है, देयरफोर आता है, विरोधाभास के लिए YET बट स्टील आता है, दो को जोड़ने के लिए एंड आता है, आइदर आर आता है, आर आता है, अदरवाइज आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, एज वेल एज आता है, ये सब क्या है, कंपाउंड वाले हैं। तो अब आप जानेंगे कि डिफरेंस क्या होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए सिंपल सेंटेंस को हम हिंदी में आप पढ़े होंगे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जटिल या मिश्र वाक्य कहते हैं। लेकिन दिमाग में आप याद रखिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस तभी होगा जब प्रिंसिपल क्लॉज जाएगा और कोऑर्डिनेट क्लॉज जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तभी होगा जब प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज जाएगा। तो यहां लिखा है अ सेंटेंस दैट हैज ओनली वन क्लॉज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, वो एक सेंटेंस जिसमें केवल एक ही क्लॉज हो वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है। दूसरे अर्थ में जान लें कि जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब, कैसा वर्ब हो, फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में पर्सन नंबर जेंडर टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और जो चेंज नहीं होती उन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। इसका एक अलग से मैं वीडियो बना करके आपको दूंगा नॉन फाइनाइट का, जिसमें इन्फिनिटी, पार्सटिल और जीरन आप पढ़ेंगे कि क्या होता है। जैसे ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप मारा, तो यहां सब्जेक्ट भी क्या है, एक ही है, और वर्ब भी क्या है, एक ही है, फाइनाइट वर्ब। ये देखो फाइनाइट वर्ब है क्योंकि टेंस हम चेंज करें तो ये बदल जाएगा, यदि हम इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ले जाए तो क्या हो जाएगा, ही किल्स अ स्नेक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाए तो ही इज किलिंग अ स्नेक हो जाएगा ना, तो फाइनाइट वर्ब है। सी डज हर वर्क, यहां भी सब्जेक्ट एक है और फाइनाइट वर्ब क्या है, एक है। यहां डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। आई टीच इंग्लिश, यहां भी सब्जेक्ट एक ही है और फाइनाइट वर्ब क्या है, एक है, यानी एक ही क्लॉज है। पुष्कर स्टॉकिंग, यहां भी सब्जेक्ट एक है और वर्ब क्या है, एक है, फाइनाइट वर्ब, ताकि हेल्पिंग वर्ब भी है इसमें। अब आते हैं तो स्पष्ट हो गया कि सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं हम जिसमें एक क्लॉज हो, या ऐसे समझना जिसमें एक सब्जेक्ट हो या एक फाइनाइट वर्ब। अब आता है कंपाउंड सेंटेंस, लिखा है अ सेंटेंस विच हैज टू, दो आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, जो किसी पर डिपेंड न हो, यानी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज है, आते हैं इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक स्वतंत्र क्लॉज होते हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अर्थात वह सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, क्योंकि दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं रहते, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। आइए वाक्य देखते हैं हम, ही केम हियर बट सी डिड नॉट मीट हिम, वह यहां आया लेकिन वह उससे नहीं मिली, वह यहां आया लेकिन वह उससे नहीं मिली। इस वाक्य को हम ध्यान से देखेंगे तो हम जानेंगे कि ही केम हियर, वह यहां आया, यह अपने आप में क्या है, पूर्ण है, यह अपने आप में पूर्ण है, यह किसी का सहारा नहीं ले रहा है, इसीलिए इसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहा गया। बट सी डिड नॉट मीट हिम, वह उससे नहीं मिली, यह भी स्पष्ट है कि वह उससे नहीं मिली, तो ये क्या है, सीसी है, कोऑर्डिनेट, तो ये पूरा मिलाकर के क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, ही केम हियर बट सी डिड नॉट मीट हिम। दूसरा देखें, यू मस्ट वर्क हार्ड आर यू विल फेल,
आपको यू मस्ट वर्क हार्ड, तुमको या आपको अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो आप देखें कि यू मस्ट वर्क हार्ड ये अपने आप में स्पष्ट अर्थ दे रहा है कि आपको अवश्य अधिक परिश्रम करना चाहिए। इसीलिए यह मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास है और यहां यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, यह भी स्पष्ट अर्थ दे रहा कि तुम फेल हो जाओगे, पास नहीं होगे। तो क्या कोऑर्डिनेट, तो यहां प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास है, इस नाते ये पूरा का पूरा वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस। एक और देखा हम, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपीयर, सूरज उगा और कोहरा क्या हो गया, गायब हो गया। सूरज उगा और कोहरा क्या हो गया, गायब हो गया। तो सूरज उगा अपना स्पष्ट अर्थ दे रहा, कोई और नहीं उगा, चंद्रमा नहीं उगा, तारे नहीं आए, सूरज उगा। तो ये मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास है और द फॉग डिसअपीयर्ड क्या है, ये भी अपना स्पष्ट अर्थ दे रहा है, फॉग डिसअपीयर्ड, कोहरा गायब हो गया, दूसरा गायब नहीं हुआ, आदमी नहीं गायब हुआ, कोहरा गायब हुआ। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास है। तो याद रखो, एवरी सेंटेंस कंटेन टू इंडिपेंडेंट एंड दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, यानी कंपाउंड सेंटेंस के में हर सेंटेंस में दो स्वतंत्र क्लाज होते हैं, वो अपना निजी अर्थ देते हैं, अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, स्पष्ट लिखा हुआ है, अ सेंटेंस दैट हैज वन प्रिंसिपल ऑब्लिक मेन क्लाज एंड वन आर मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लाज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल या मेन क्लाज हो या एक या उससे अधिक सबऑर्डिनेट क्लाज हो, मैंने सबऑर्डिनेट क्लाज दो भी आ सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप जान लें, वह वाक जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज हो या एक से अधिक दो तीन सबऑर्डिनेट, यानी कम से कम एक सबऑर्डिनेट तो रहेगा ही क्लाज हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सबऑर्डिनेट क्या है, मैंने आपको बताया, जैसे देखो, आई नो दैट ही इज अ थीफ, मैं जानता हूं, स्पष्ट है, मैं जानता हूं दैट ही इज अ थीफ, वो क्या है, चोर, वह चोर है, उसके बारे में कोई पता नहीं है, ये ऐसी है। जहां से भी कनेक्टिव वर्ड मिलता है वहां से सबऑर्डिनेट क्लाज होता है, आप ये जान जाए। यहां देखें, आई मेट ए गर्ल, मैं बता चुका हूं, हुआ झले, तो आई ए मेट ए गर्ल, ये पूरा अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये क्या है, पीसी या मेन क्लाज है, पीसी या मेन क्लाज है। और हुआ झले जो लंगड़ी थी, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाज है। तो इसीलिए जिस वाक्य में प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं, आई नो ए मैन, आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूं, हुज रिलेटिव इज अ पॉपुलर लीडर, जिसका रिश्तेदार एक पॉपुलर लीडर है। तो हुज रिलेटिव से इधर क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लाज हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, मेन क्लाज। तो ये अभी क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आप जान लें, इनडायरेक्ट स्पीच में जितने भी सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होते हैं। अब आपसे कोई कहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल बोलिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच कुछ भी बोलेंगे वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा। ही सेड दैट अर्थ इज राउंड, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द टीचर आस्क्ड व्हाई, ही वॉज रनिंग इन द फील्ड, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो अब आप यहां से जानते हैं और आप बहक जाते हैं, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज के काइंड्स कौन कौन से होते हैं प्रकार, तो एक है नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा टीचर बता करके आपसे अलग हो जाता है कि नाउन क्लाज वह जो वाक्य में नाउन का काम करे, मैंने लिखा भी है, अ क्लाज दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ नाउन क्लाज, इट इज सर्टेन दैट ही इज अ नटी बॉय। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, दैट का अर्थ जब की होगा तो निश्चित रूप से नाउन क्लाज ही होगा। ये मैं नहीं कहता कि दैट से ही सिर्फ नाउन क्लाज होता है, और से भी नाउन क्लाज होता है, हाउ से, व्हाट से, तमाम चीजों से। लेकिन जैसे कोई आदमी
कट्टा लेके घूम रहा हो, कट्टा बिना लाइसेंसी आर्म्स है, हथियार है, तो निश्चित रूप से वह बदमाश है। तो इसमें तो कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसके पास कट्टा है तो क्या है, बदमाश है। इसका मतलब यह नहीं है और बदमाश नहीं है, लेकिन आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल देना है। तो मैंने बताया ना, बिंदास होकर के विदाउट एनी हेजिटेशन इनडायरेक्ट स्पीच कोई भी आपके दिमाग में आ जाए आप बोल देंगे। एंड दैट कार जब की होगा तो वो नाउन क्लास होगा, लेकिन दैट कार जब जो होगा तो वो एडजेक्टिव क्लास होगा। ये मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, सही ढंग से समझाऊंगा कि कैसे होता है। वैसे तीन तरह के क्लाज है, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज। तो वाक्य में जो नाउन का काम करे नाउन क्लाज है, एडजेक्टिव का काम करे एडजेक्टिव क्लाज है, एडवर्ब का काम करे एडवर्ब क्लाज है। लेकिन यहां मैंने नाउन क्लाज का एक छोटा सा दिया है। नाउन क्लाज कैन भी हो सकता है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी क्रिया का करता। जैसे हाउ द स्ट्रीट वाज आउट इज नॉट नोन, कैसे हाउ द स्ट्रीट वाज, कैसे गली गली थी, आउट हाउ द स्ट्रीट वाज आउट बाहर, इज नॉट नोन, नहीं मालूम है। दैट सी हैज बीन मैरिड, कि उसका विवाह हो चुका है, इन एवरीबॉडीज लिप्स, यह हर आदमी के क्या है, होठों पर है। ये वाला बात मैं कल चर्चा करूंगा, समय अधिक हो गया, वीडियो बड़ा होता है। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अंडन, व्हाट इज डन क्या हुआ है, कैन नॉट बी अंडन। सो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि यदि आप क्लास का पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब जो मैं बार बार कहता हूं लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, आपके समान बहुत है भाई। तुलसीदास जी ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो तमाम बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ नहीं पाते होंगे। तो यदि आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप रूबरू हो सकें, वाकिफ हो सकें। और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।